नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है टॉपर आरकेएस मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन भाग एक, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलो बिना देरी करते हुए हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो सबसे अधिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने प्रश्नों को 20 प्रश्न हम हल करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में दो नए जिले गठित किए गए थे, वे कौन कौन से हैं? पहला ए ऑप्शन अलीराजपुर एवं बुरहानपुर, बी ऑप्शन बुरहानपुर एवं अनूपपुर, सी ऑप्शन सिंगरौली एवं अनूपपुर, डी ऑप्शन सिंगरौली एवं अलीराजपुर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सिंगरौली एवं अलीराजपुर। वर्ष 2008 मध्य प्रदेश में दो नए जिले गठित किए गए थे, वे कौन कौन से हैं? सिंगरौली एवं अलीराजपुर, ये दो जिले थे जो वर्ष 2008 में गठित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका समय शुरू होता है 15 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों बी, 5 राज्यों के साथ। कितने के साथ मिलती है? 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? ए 45, बी 55, सी 61, डी 43। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए 45। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए 45। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात कितने जिले थे? 45। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? ए 1 नवंबर 1956, बी 1 नवंबर 1958, सी 1 अक्टूबर 1956, डी 1 जनवरी 1956। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये सबसे अधिक परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? 1 नवंबर 1956। करेक्ट आंसर ए, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? ए 11, बी 10, सी 9, डी 12। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 10। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 10। 10 संभाग कौन से हैं? चंबल है, ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, नर्मदापुरम है, सागर है, जबलपुर है, रीवा है एवं शहडोल है। ये 10 संभाग हैं मेरे प्यारे साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? ए 49, बी 50, सी 51, डी 52। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले गठित हैं, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं मेरे प्यारे साथियों? 52। यह परीक्षा में सबसे अधिकतम बार पूछा गया प्रश्न है। एमपी पुलिस, पटवारी, एमपीएसआई, इंजीनियर, अदर्स एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न सबसे अधिक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए मंडला, बी छिंदवाड़ा, सी सिवनी, डी जबलपुर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यह भी परीक्षा में अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों बी छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? ए 31 अक्टूबर 2002, बी 31 अक्टूबर 2000, सी 26 जनवरी 2002, डी 15 अगस्त 2002। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप टू में पूछा है, पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, कृषि विस्तार अधिकारी में, इन सभी में पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर 2002, बी। इसका करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर 2000। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 31 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों। ए 213, बी 213, सी 290, डी 299। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? ए 213, बी 313, सी 290, डी 299। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 313। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 313। आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया था? ए डिंडोरी, बी उमरिया, सी सिंगरौली, डी अशोकनगर। इन चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया था? ए डिंडोरी, बी उमरिया, सी सिंगरौली, डी अशोकनगर। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों सी सिंगरौली। किसे किया गया था? सिंगरौली को 24 मई 2008 को 50वां जिला घोषित किया गया था सिंगरौली को। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? ए नागपुर, बी इंदौर, सी रामपुर, डी उज्जैन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी यार परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नागपुर। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया था? ए शाजापुर, बी राजगढ़, सी उज्जैन, डी देवास। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया था? शाजापुर को विभाजित करके किया गया था। कब किया गया था? 16 अगस्त। 16 अगस्त को किया गया था मेरे प्यारे साथियों, 16 अगस्त 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदापुरम क्या है? ए बांध, बी संभाग, सी तीर्थ स्थल, डी पर्यटन स्थल।
चार ऑप्शन दिए गए हैं। नर्मदापुरम क्या है, ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताइए क्या है ये नर्मदापुरम क्या है। ए बांध, बी संभाग, सी तीर्थस्थल, डी पर्यटन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी संभाग। नर्मदापुरम क्या है, एक संभाग है जिसे कब बनाया गया, 27 अगस्त 2008 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है। ए होशंगाबाद, बी शहडोल, सी जबलपुर, डी रीवा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है। नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है। ए होशंगाबाद, बी शहडोल, सी जबलपुर, डी रीवा। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों होशंगाबाद। नर्मदापुरम क्या है, एक होशंगाबाद है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था नर्मदापुरम क्या है, एक संभाग था, तो होशंगाबाद का नाम बदल कर ही नर्मदापुरम किया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है। ए इंदौर, बी हरदा, सी दतिया, डी निवाड़ी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है। ए इंदौर, बी हरदा, सी दतिया, डी निवाड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों डी निवाड़ी, जो मध्य प्रदेश का नवनिर्मित जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। ए उज्जैन, बी नर्मदापुरम, सी जबलपुर, डी भोपाल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों। इक्यावन जिला मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। ए उज्जैन, बी नर्मदापुरम, सी जबलपुर, डी भोपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए उज्जैन। 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, उज्जैन के। सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था। ए 21 नवंबर 2013, बी 12 दिसंबर 2009, सी 24 मई 2008, डी 21 मई 2007। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों। ये जेल फेरी समग्र विस्तार अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले को बनाया गया था। मध्य प्रदेश का 50वां जिला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था, ये 50वां जिला था जो सिंगरौली जिले को 24 मई 2008 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए महाकौशल, बी बुंदेलखंड, सी मालवा, डी छोटा नागपुर का पठार। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए महाकौशल। जबलपुर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, महाकौशल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है। ए भिंड, बी अशोकनगर, सी गुना, डी शिवपुरी। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है। ए भिंड, बी अशोकनगर, सी गुना, डी शिवपुरी। इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। भिंड, भिंड जिला नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भिंड ए, क्योंकि अशोकनगर ग्वालियर संभाग का जिला है, गुना ग्वालियर का है, शिवपुरी ग्वालियर का है, लेकिन भिंड चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। सबसे अधिक परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। जेल पैरी पुलिस कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी, कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, इन सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया यह प्रश्न है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ए अक्टूबर, एक अक्टूबर, बी
एक दिसंबर, सी एक नवंबर, डी एक फरवरी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका समय शुरू होता है 15 सेकंड। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अक्टूबर, बी 1 दिसंबर, सी 1 नवंबर, डी 1 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों सी। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें T20 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आपको पूरा देखना है। धन्यवाद।